हेलो गेमर्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेड आई गेमर पर। यार आज मैं आप सबके लिए ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने किसी एक पबजी मोबाइल अकाउंट का जो कंट्रोल लेआउट होता है वो किसी दूसरे पबजी मोबाइल अकाउंट में सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो। तो यार इस ट्रिक की मदद से आप अपने किसी एक पबजी मोबाइल अकाउंट का जो कंट्रोल लेआउट है वो अपने दूसरे अकाउंट में कॉपी कर सकते हो, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड का या फिर किसी और का भी कंट्रोल लेआउट आप अपने अकाउंट में सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो यार। और ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और आप बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये मेरा मेन अकाउंट है ग्लोबल वर्जन वाला। तो अभी मैं इसका जो कंट्रोल लेआउट है उसको मैं अपने कोरियन वर्जन में कॉपी करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल्स में चले जाना है, और आप देख सकते हैं मेरा ग्लोबल वर्जन का कंट्रोल्स है, और इसमें आने के बाद आपको लेआउट वाला जो सेटिंग है उस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको शेयर पर क्लिक करना है। और शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कोड मिलेगा, तो आपको उस कोड को कॉपी कर लेना। तो देखिए ये कोड आ गया है और इसको कॉपी कर लेना है, और आपको जिस भी अकाउंट में ये वाला लेआउट कॉपी करना है आपको वो वाला अकाउंट ओपन करना है। तो चलिए अभी मैं अपना कोरियन अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आप सब देख सकते हैं कि ये मेरा पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन का आईडी है। तो सबसे पहले हमको सेटिंग को ओपन करना है, और सेटिंग को ओपन करने के बाद हमको दोबारा से कंट्रोल्स में जाना है, और कंट्रोल्स में जाने के बाद हमको जो लेआउट वाला सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे नीचे सर्च मेथड लिखा हुआ है, तो हमको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो कोड कॉपी किया था दूसरे अकाउंट से वो वाला कोड इसमें पेस्ट कर देना है। तो अभी मैं अपना जो ग्लोबल वर्जन का कोड कॉपी किया था उसको मैं इसमें पेस्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये रहा वो कोड, और मैं इसको इसमें पेस्ट कर दे रहा हूँ, और फिर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरा ग्लोबल वर्जन वाला जो लेआउट है यहाँ पर आ गया है। तो जैसे मैं यूज पे क्लिक करूँगा तो आप सब देख सकते हैं कि ग्लोबल वर्जन का जो लेआउट है वो मेरे कोरियन वर्जन में सेम टू सेम कॉपी हो चुका है। तो यार इस तरह से आप अपने किसी एक पबजी आईडी का कंट्रोल लेआउट अपनी दूसरी पबजी आईडी में, या फिर अपने किसी फ्रेंड का कंट्रोल लेआउट अपनी आईडी में सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो। तो यार इस ट्रिक के बारे में आपको पता था कि नहीं, हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि यह वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ।